और विदाई लेने वाले श्री ओम प्रकाश जी गुर्जर, ग्रामवासियों, विद्वान साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कि आप सब लोगों ने हम सबको आमंत्रित किया, याद किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि इतने सारे सभी लोगों को आपने छोटे से कार्यक्रम में इतना जगह दी। साथ ही साथ आपके विद्यालय को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग हैं जो रुके हुए हैं, इतने समर्पित हैं। आप ही इतने समर्पित हैं तो आपके गुरुजन भी, आपके विद्यालय के जो भी आते हैं वो समर्पित क्यों नहीं होंगे। ये विद्यालय कैंपस ही अपने आप में बड़ा सम्मोहित करता है, खींच लेता है कि यहाँ एक जैसे कोई मंदिर, इस तरह का मंदिर हो जो तराई क्षेत्र के बीच में बसा हुआ हो। जैसे ये आपके दौरे इस तरह से नजर आ रहे हैं जैसे हिमालय का कोई तराई क्षेत्र हो। पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं कि आपका बड़ा काफी समर्पण नजर आ रहा है, पेड़ पौधों को देख करके कितनी अच्छी हरियाली है, साथ ही साफ सफाई वगैरह भी है। और विद्यालय का जो आपका चार दीवारी और भवन है जो इस तरह से, ये भी कलरफुल है, इस तरह से नजर आ रहा है कि आप सभी का योगदान इसमें काफी है। 11 वर्ष का जो इनका गुरुजी साहब का जो अनुभव है, ये भी ये नजर आ रहा है कि इन्होंने काफी समर्पण तो किया ही होगा। जो आप हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं इतना तल्लीन भाव से हैं, जो बच्चे भी सुबह से थक गए होंगे लेकिन हट नहीं रहे हैं और बारी बारी से ये कह रहे हैं कि मैं भी गुरुजी के लिए दो शब्द बोलूं, तो ये महसूस होता है कि आप सभी समर्पित हैं। साथ ही ओम प्रकाश जी के बारे में मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि काफी शालीन स्वभाव के हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, शांत हैं, हसमुख चेहरा, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। मेरे भी ये पड़ोस में रहते हैं बांड में, तो मेरा भी इनसे मिलना हो जाता है। ये बड़े रिजर्व नेचर के हैं, बहुत कम बोलते हैं। साथ ही ये एक छुपे हुए प्रतिभा हैं, नजर नहीं आते हैं और बच्चों के लिए काफी समर्पण इन्होंने जो दिखाया है उसका नतीजा आप हम सबको देखने को मिल रहा है। आप सभी इनके सम्मान में, जबकि कितना समय हो गया जो सब लोग रुके हुए हैं, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप, जैसा कि यहाँ पश्चिम राजस्थान के बारे में मैं पहले सुनता था जब रेडियो प्रोग्राम और टीवी पर देखते थे कि वहाँ की वाणी बहुत अच्छी है, कि मेरी ये सुनते भी थे कि मारी दोहरारी धरती रो में किण विद करा बखान, मारी टीबारी धरती रो में किण विद करा बखान। अब जब मैं देख रहा हूँ तो पानी तो खारा भी और मीठा भी दो प्रकार का मिलता है, लेकिन वाणी बहुत मीठी है और वहाँ वाले जो हमारे मीठे पानी पीने वाले इतने मीठी मीठी बोली तो नहीं बोलते हैं कि हमारी भाषा में इतना वो मिठास नहीं है जो आप वाणी में है। और आने वाले को आप, जब जब भी मैं समारोह में जाता हूँ तो आप लोगों के भावों को मैं देखता हूँ कि सब मिलजुल करके बड़े तल्लीन भाव से आप सब सम्मान करते हो और हम सबका भी सम्मान यहाँ होता है, तो हम बड़े बेहद खुश होते हैं। हालांकि बहुत दूर के रहने वाले हैं लेकिन इस चीज को यहाँ आकर के बिल्कुल भूल जाते हैं। आगे मैं ओम प्रकाश जी के लिए यही कहूंगा कि ये जहाँ कहीं भी रहें इसी समर्पित भाव से रहें और बच्चों के साथ बने रहें और अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखें। साथ ही इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हुआ मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ और इन सभी से मैं आगे भी इस तरह से अपेक्षा करता हूँ, किसी तरह से सभी समय पर हमें भी याद करते रहे कि आपका भाव हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।